मैं यही बोलती हूँ, जब भी आपका लॉस हो जाए फिक्स लॉस, शट द सिस्टम, डू समथिंग एल्स, मूवी देखने चले जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, कुछ भी और कर लो, कंप्यूटर के सामने मत बैठे रहो। अगर 11 इंडिकेटर लगा रहे हो, मतलब वैलिडेशन चाहिए, तुम्हें श्योर होंगी तभी मैं ट्रेड करूँ, तो मोस्ट लाइकली आप बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाते हो। बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाते थे, और कई बार तो ऐसे होता था जब तक 11 इंडिकेटर देते थे तब तक तो पता लगा मार्केट कहाँ की कहाँ पहुँच गई और मैं वेट ही कर रही हूँ। एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन ने एक ऊंची उड़ान होनी है, वो एकदम से तो नहीं उड़ता ना, वो पहले स्लो रनवे पे चलेगा, फिर आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ेगा, फिर उड़ेगा। करेक्ट। अगर वो शुरू में उड़ा तो वो क्रैश। तो ये चीज़ मार्केट में है, आपको अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मैटर नहीं करता। स्लोली स्लोली अपनी चीज़ों को बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, चीज़ें चलती हैं। पहली ट्रेड आज भी मुझे याद है, मैंने NIT का स्टॉक खरीदा था कैश में, और स्टॉक भी याद है, स्टॉक भी याद है, पहला स्टॉक कोई नहीं भूल सकता। अपना पहला ट्रेड सबको याद रहता है। तो दोस्तों, इंडिया के स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स मेल हैं, 90% से भी ज़्यादा, बहुत कम परसेंटेज है जो फीमेल ट्रेडर्स हो, और वो भी एक्चुअली ट्रेडर्स नहीं होती, इन्वेस्टर्स होती हैं ज़्यादातर। तो बहुत कम, बहुत स्मॉल परसेंटेज रह जाता है, शायद 5% से भी कम, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करती हैं, और परसेंटेज कम हो जाता है फुल टाइम ट्रेडिंग में। फुल टाइम ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग फीमेल ट्रेडर मोस्ट लाइकली 1% या 2% एट मैक्स होगा। आज हम जिनकी बात करेंगे, जिनकी पॉडकास्ट आप देखने वाले हों, शी इज अ फुल टाइम ट्रेडर इन ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग भी करती हैं, प्राइस सेक्शन का इस्तेमाल करती हैं। किरण, जो कि आती हैं एक बड़े शहर से, जिंदगी भर एक बड़े शहर में ही बिताई है, लेकिन अभी न्यूएंसेस पता लग गई हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह से जी जाती है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। यूट्यूब पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, मोर लेस सिखाती भी हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से अलग तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं फीमेल ट्रेडर के, इनके क्या थे, और साथ में क्या, किस तरीके से इन्होंने खुद को सिखाया स्टॉक मार्केट, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। ग्यारह साल हो गए स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड नहीं है, मेल ही है, 3-4% है जो फीमेल होता है, लेकिन वो फीमेल भी ऐसा होता है कि शायद बीवी के या बहन के या मम्मी के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है, ट्रेडिंग बंदा ही कर रहा है। तो मोर लेस इफ आई गो इन टू पेनिट्रेशन पॉइंट, तो 2-2.5% होगा जो फीमेल लेवल पे 100 में से 2 करते हैं। सो आप उस स्पेस में हैं और आप 11 साल से उस स्पेस में हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि 11 साल पहले ये परसेंटेज और भी कम होएगा, जहाँ पे फैमिली समझना मुश्किल है, खुद समझना मुश्किल है, लर्निंग के सोर्सेज भी कम थे उस टाइम पे। तो 2011 से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले किरण, कि सबसे पहले वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कब सुना था कॉन्शियसली? स्टॉक मार्केट ऐसे सुना होगा बहुत बार। सबसे पहले मैंने जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट सुना था वो मैंने सुना था 2007 में, तब मैं IBM में जॉब करती थी। okay. और आपको पता होगा 2007 में मार्केट बहुत अच्छी बूम पे थी, जैसे कोरोना के बाद एक बार बूम आया था तो बहुत ही अच्छी बूम पे थी, तो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। वो ऐसा था कि सुबह शेयर ले लो, 2-3 दिन बाद बेच दो, यू विल गेट अ प्रॉफिट। सो माय टीममेट वाज टॉकिंग कि आज हमने इसमें पैसा कमाया उसमें, तो वो कॉन्शियसली मुझे भी लगा कि दे आर अर्निंग मनी, तो व्हाट इज दैट। ओके। तो मैंने तब सुना था और मैंने तब थोड़ा सा ट्रेडिंग भी किया था उनके कहने पे। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता था, डीमैट अकाउंट ओपन हुआ, उनके कहने पे जो वो शेयर बोलते थे मैंने ले लेती थी, निकाल देती थी, तो मैंने अपना कुछ नहीं बताया था, बस वो बोलते थे। तो मैंने कुछ अर्न भी किया, बट हाँ मैंने कुछ अर्न किया था, अच्छा अर्न किया था, बट 2008 का क्रैश, अच्छा लेमन ब्रदर क्रैश, जितना कमाया सारा मार्केट को वापस दे दिया। ओके। उस टाइम तो फिर मैंने कान को हाथ लगा लिया कि नहीं, अभी मैं स्टॉक मार्केट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि लॉसेस बहुत हो गए, अनप्रडिक्टेबल है, तो आई स्टॉप द ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे, मैंने अपनी नॉलेज से तो कुछ किया नहीं था ना, जो किसी ने बोला आई जस्ट डिड इट, वो टिप्स टाइप था कि उसने बोला आज ये स्टॉक ले ले, ये स्टॉक में प्रॉफिट कर ले, तो आई स्टार्टेड डूइंग। अभी घायल शेयर हो आप, अभी नुकसान खाया था ना 3-4 साल पहले, 2007-8 है ना? मैंने पहले 4-5 साल तो मैंने स्ट्रगल ही किया, नुकसान ही खाया था। नहीं नहीं, मैं तो 2007 के नुकसान की बात कर रहा हूं। हाँ, अभी तो मैं घायल शेयर हूँ। हाँ, तो उस केस में एक तो कि मैं सीखूंगी कहाँ से इस बार, शायद ये मोटिवेशन तो होगा कि मैं सीख के करूंगी, सीख के करूंगी, लेकिन सोर्सेज क्या है वो सीखने के इस टाइम पे? उस टाइम देखो इतना तो सोर्सेज नहीं थे, आज तो बहुत इजी हो गया है, यूट्यूब है, मतलब यू इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट देयर आर थाउजेंड ऑफ सोर्सेज। उस टाइम सोर्सेज था सिर्फ थोड़ा इंटरनेट,
जैसे आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट कि क्या, हाँ से जो भी मुझे कहीं से ब्लॉग मिलता था, कुछ नॉलेज मिलती थी उससे क्या, और मैंने कुछ बुक्स बाय करी थी स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड बुक्स, तो वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया, बुक्स एंड ब्लॉग्स दैट हेल्प मी। मतलब वही जो थोड़े पुराने तरीके, क्योंकि उस टाइम एडवांस चीज़ें नहीं थी, इतनी नहीं थी। ओके, सबसे पहली ट्रेड क्या थी, डिलीवरी थी, इंट्राडे किया? पहली ट्रेड आज भी मुझे याद है, मैंने एनआईटी का स्टॉक खरीदा था कैश में। और स्टॉक भी याद है? स्टॉक भी याद है, पहला स्टॉक कोई नहीं भूल सकता। अपना पहला ट्रेड सबको याद रहता है। फेयर, बोलते ना पहला प्यार नहीं भूलते हैं, वैसे आपका पहला ट्रेड हमेशा आप भूलते हैं। एग्जैक्टली, और पहला ट्रेड 90% पीपल विल एग्री कि पहले ट्रेड में बिगनर लक आपका काम करता है, करेगा। और पहले मुझे पहला ट्रेड याद है, मैंने एनआईटी का स्टॉक खरीदा था, आई मेड प्रॉफिट ऑन दैट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कुछ इंडिकेटर्स वगैरह समझ के, कुछ समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करके खरीदा था, तो मैंने उससे प्रॉफिट किया था। तो दैट डे बाय बिगनर लक स्टार्टेड और मुझे लगा था कि अब तो समझ आ गया, आई कैन डू इट। बट फिर थोड़े दिनों बाद मार्केट ने बता दिया था कि वो बिगनर लक था, अभी मुझे समझ नहीं आया, अभी तो ये सिर्फ पहला कदम है, अभी तो मुझे बहुत लंबी जर्नी करनी है। बट उस जर्नी से लेके अभी तक आप एक ऑप्शंस बायर बन चुके हैं। हाँ, जो भी आप एज पर यू जो हम बात कर रहे थे, आप 5 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन बाइंग में आने से पहले भी तो आपने नुकसान खाए होंगे लगातार? मैंने बहुत नुकसान खाए हैं। मैंने, अगर मुझे अपनी इतना भी याद है कि जब मैंने 2011 से लेकर 2015 तक आई थिंक 350,000 के करीब मैंने अपनी खुद की जो मेरी सेविंग्स थी, जो मैंने जॉब से अर्न किया था, वो मैंने डाली थी। मैंने क्योंकि मैंने घर के, मैं वही ड्राई करूंगी, तो पूरी की पूरी सेविंग्स मैंने ऑलमोस्ट खत्म करी थी। ओके, तो बट देन आई टुक सम कैपिटल। नहीं नहीं, बट जो लॉस हुआ उस पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो आता होगा ना, खुद के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे भी कुछ ना कुछ इशू? देखो, फैमिली के लेवल पे बोलूँ तो इतना मेरे पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आया था। अच्छा। क्योंकि आई डोंट नेवर गेट अ प्रेशर फ्रॉम माय हस्बैंड दैट की यू आर मेकिंग, बाकी घर वालों को, बाकी घर वालों को मैंने बताया नहीं था, ओनली माय हस्बैंड नो दैट कि मैंने मैं कर रही हूँ स्टॉक मार्केट। नहीं, बट क्या क्या ये 4 साल गलतियां क्या थी 3.5 लाख रुपये? देखो, गलतियां अगर मैं बोलूँ तो मैं 2-3 गलतियां बोलना चाहूँगी। पहली वन वॉज आई वॉज टू डिपेंडेंट ऑन इंडिकेटर्स, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ऐसे चार्ट होते थे कि 10-10, 11-11 इंडिकेटर मेरे चार्ट पे होते थे। हाँ, ऐसा मेरा एक टाइम भी था कि देयर वाज 11 इंडिकेटर और मैं 6 कैंडल्स नहीं दिखती थी एंड, और मैं उन 11 इंडिकेटर को वेट करती थी। मेरे पास एक लिस्ट होती थी कि टिक करती थी कि सबसे सिग्नल मिले तो देन आई विल टेक अ ट्रेड, और जब तक वो सब सिग्नल देते थे तो समझ गया कि गाड़ी तो निकल गई। इतनी वैलिडेशन चाहिए होती इतनी है मार्केट के। तो फिर ये रीज़न था। दूसरा साहब, मेरे इमोशंस, जो मुझे वही लगा कि जो मेरे साइको अपनी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बिगनर करता है, हमेशा वो अपने प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करता है, लॉसेस को नहीं। Correct. ये सबसे बड़ी एक बिगनर की मिस्टेक होती है, जो मैंने भी करी थी। मैं हमेशा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती थी, मैं अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट नहीं करती थी। और फिर बाद में जो ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा और अपने लॉसेस को डिक्रीज करना होगा। ये हर बिगनर को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी, कभी भी अपने प्रॉफिट फिक्स मत रखो। आपके नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी फिक्स नहीं होने चाहिए कि अच्छा आज मैं 2 ट्रेड लिए, प्रॉफिट हो गया, मैं बंद कर दूंगा सिस्टम। जितना जिस दिन मार्केट देती है, ग्रैप इट। जितने अच्छे आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिलते हैं, ग्रैप इट। अगर आपने एक दिन इतना अच्छा प्रॉफिट कर लिया, तो अगले 2-3 दिन अगर आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी टोगे, जिल यू विल बी लाइव इन द मार्केट। तो ये मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि जो मैं प्रॉफिट को कम करा, मतलब प्रॉफिट फिक्स रखा, लॉसेस फिक्स नहीं रखे। तो वो मैंने जब मिस्टेक पे काम करना शुरू किया, दैट वॉज अ टर्निंग थिंग्स हैपन। तो ये करना चाहिए। बट जो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स कैप हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि मेरे इतने ट्रेड लॉस के हो गए अगर, तो मैं छोड़ दूंगी, या कैपिटल पे हो रहा है? देखो, मेरा दोनों होता है, फिक्स होता है कि आज अगर मेरे, जैसे मैं कैपिटल और ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड, अगर किसी सेटअप में, कोई एक पर्टिकुलर सेटअप में अगर मैं 3 से 3 स्टॉप लॉस हो गए उस दिन, 3 या 4, मैं उस सेटअप को उस दिन के लिए बंद कर दूंगी। और अगर जैसे मैं 2-3 सेटअप से ट्रेड करती हूँ, तो मेरी एक कैपिटल फिक्स है। अगर दोनों में से वट एवर कम फर्स्ट, आई विल स्टॉप द ट्रेडिंग फॉर दैट डे। बट खुद को कैसे मजबूत किया इस चीज़ के लिए? आई हैड टू डू इट। मेरा सबसे बड़ा एक तरीका होता है, अगर मुझे पता है कि मेरा लॉस हो गया है, मैं सिस्टम शट डाउन कर दूँगी, मैं सिस्टम के सामने नहीं बैठूंगी। मुझे पता है अगर मैं सिस्टम के सामने बैठ गई, मैं उस लॉस को कवर करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही बोलती हूँ, जब भी आपका लॉस हो जाए, फिक्स लॉस, शट द सिस्टम, डू समथिंग एल्स, मूवी देखने चले जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, कुछ भी और कर लो, कंप्यूटर के सामने मत बैठे रहो। कंप्यूटर के सामने अगर आप बैठे रहे ना, मार्केट आपको फिर से बुला लेगी कि आ जाओ, एक ट्रेड और ट्राई कर लेते, शायद ये लॉस कवर हो जाए। पर वो होता नहीं है, कभी
लक चल जाए, अच्छा ट्रेड मिल जाए तो हो भी जाता है, बट 90% ये होता है कि आप और लॉसेस करके उठोगे। तो मेरा वेस्ट साइकोलॉजी, मैंने अपने आप को यही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी कि मुझे सिस्टम बंद करना है। रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं ना, रिवेंज ट्रेडिंग, फायर फाइटिंग, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, फायर फाइटिंग भी बोल सकते हैं, कि मार्केट में फायर फाइटिंग करनी, वो कभी नहीं सक्सेसफुल। और ये कर रहे थे लगातार? मैं कर रही थी, बट बाद में मैंने अपने आप को इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करा, जब मुझे लगा कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है तो मैंने स्ट्रॉन्ग किया। और उसके अलावा मैंने कई बार जैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग के लिए अपने खुद सेट ऑफ रूल्स बनाए, और मैंने अपने लिए खुद सेट ऑफ पनिशमेंट भी डिसाइड करी कि अगर मैंने रूल तोड़े तो मुझे ये करना है। जैसे अगले दिन मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं अपने ट्रेडिंग का पासवर्ड बोल दूँ, मेरा उसके लिए अंदर मैं अपने बोल देती थी मेरा पासवर्ड चेंज कर दो और मुझे पासवर्ड मत बताना आज की, आज मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। एंड जिसको मैंने बोलती थी कि पासवर्ड चेंज कर लो, वो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो सही में पासवर्ड नहीं देता था नेक्स्ट डे। तो मैं बोलती हूँ कि करो पासवर्ड चेंज। फिर आपको खुद के लिए, देखो अपने आप को, एक बंदे को ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खुद पे खुद ही काम करना पड़ता है, दूसरा आके आपको नहीं कर सकता चेंज। तो ये चीज़ें मैंने खुद करी। एक मैंने एक बार एग्जाम एक बार बताया भी एक बार कि मैंने 500 के नोट को भी एक बार बोला कि आप क्या करो, अपने सामने कोई भी 510 कोई भी नोट रख लो, और अगर सोचो कि अगर आज मैंने ट्रेडिंग में नई रूल तोड़ा, मैं नोट फाड़ दूँ। सबसे मुश्किल काम होगा ये करना। और एक दिन जिस दिन आपने नोट फाड़ दिया ना, अब अगले दिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी शुरू कर दोगे। ट्राई इट, वैसे करेंसी समथिंग नहीं करना चाहिए। अब उससे अलावा और भी कर सकते हो, आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ को डिनाई करो, कुछ भी अपने लिए एक ऐसी पनिशमेंट डिसाइड कर लो कि अगर मैंने आई रूल ये नहीं किया ना, आई डू दिट, मैं अपने फेवरेट पर्सन से बात नहीं करूँगा, मैं अपनी फेवरेट चीज़ नहीं आज यूज़ करूँगा, ऐसी जो आपकी आदत है कि जो आप डेली यूज़ करते हो, डेली आपको चाहिए ही चाहिए, उसको अवॉइड करूँगा। एक बार अपने अपने आप को पनिशमेंट देना, अपने आप को रूल बेस लिया है, तो यू विल फॉलो द पाथ, अपने आप कब करने लग जाओगे। मतलब खुद को सजा देनी ही है, देनी है इन केस यू डू नॉट फॉलो। देखो आप एक बात बताओ, हम जब स्कूल में जाते हैं, हम होमवर्क करते हैं, हम क्यों डिसिप्लिन होते हैं, हमें पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, मैम से डांट पिटेगी या पनिश। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग इज समथिंग, देयर इज नो टीचर, नो वन देयर टू पनिश यू, तो फिर आपको खुद ही तो करना पड़ेगा, हु विल टीच यू देम, तो आपको अपना पनिशमेंट चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। दैट्स सुपर माइंडसेट। अच्छा, बट ये जो चीज़ें हैं ये खुद से आ रही हैं या कोई मेंटर था, कोई बता रहा था? हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज देयर टू गाइड मी, कि जब मैं कहीं स्ट्रग हो जाती थी तो मैं उन्हें फ़ोन कर देती थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि आप ये पढ़ो, ये बुक्स आपको हेल्प कर सकती है, आप प्राइस, जैसे मैं जब इंडिकेटर में स्ट्रक हो गई थी तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे क्या करना चाहिए, जो 11 इंडिकेटर वाला, क्या 11 इंडिकेटर वाला, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि लीव द इंडिकेटर सर, स्टार्ट स्टडिंग प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस को समझ लो तुम मार्केट समझ जाओगे। तो फिर मैंने इंडिकेटर्स को स्लोली स्लोली अपने सिस्टम से हटाया और वो प्राइस एक्शन में मैं जंप करी, प्राइस एक्शन बोले मतलब कैंडल्स को समझना, मार्केट को समझना, तो उसमें मैं जंप करी। तो वो चीज़ें, तो वो मुझे गाइड करते थे, बस एक एडवाइस देते थे, जब भी मैं स्ट्रक होती थी उनसे एडवाइस लेती थी। मेंटर होना इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके पास मेंटर है ना, आपको एक फ़ायदा होगा कि अपनी मिस्टेक्स वाली चीज़ें वो आपको खुद बता देगा कि यहाँ आपको ये करना है, जो चीज़ें खुद लर्न करना पड़ता है, कुछ मेंटर ने हेल्प करी। ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड। क्यों, जो गल्तियाँ इंडिकेटर यूज़ करके कर रहे थे, थोड़ा उस पर आई वांट टू स्पेंड फ्यू मिनट्स देयर। अगर 11 इंडिकेटर लगा रहे हो, मतलब वैलिडेशन चाहिए, तो मैं श्योर होंगी तभी मैं ट्रेड करूँगी, तो मोस्ट लाइकली आप बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाते हो। बहुत बार ट्रेड कर ही नहीं पाते थे, और कई बार तो ऐसे होता था जब तक 11 इंडिकेटर देते थे तब तक तो पता लगा मार्केट कहाँ की कहाँ पहुँच गई और मैं वेट ही कर रही हूँ। और कई बार होता था कि अच्छा उसके बाद एंट्री मिली तो अब मार्केट तो ऑलरेडी मूव कर चुकी है, लॉसेज हो, तो वो चीज़ें हाँ वो होता था कि कई बार ट्रेड मिस हो जाते थे, कई बार लेट ट्रेड होते थे। तो फिर मुझे ये लगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब मार्केट में ना एक चीज़ और होती है कि सिंपल चीज़ें वर्क करती है, बहुत सिंपल। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, अगर मार्केट में आपको ना चार्ट से, चार्ट को समझना शुरू कर दो, चार्ट को स्टडी करना शुरू कर दो, जिस दिन तुम्हें चार्ट समझ आ गया ना, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 इंडिकेटर में मुझे याद है RSI, सोफिस्टिकेटेड RSI, MACD, PSR और ऐसे भी कुछ थे 11 इंडिकेटर। अब वो मेरे पास, आप मानोगे नहीं, पूरे पेपर पे चेकलिस्ट होती थी, आगे डेट लिखी होती, टिक 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 कर देती कि अच्छा ये 11 इंडिकेटर ने दे दिया तो मैं लूंगी, और तब तक तो ट्रेन ही छूट गई। ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस रेशियोज के साथ तो करते हैं, दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट टेक्निकल एनालिसिस में इतने सारे इंडिकेटर्स, स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो सब यही होता है। ये तब हो रहा होगा शायद कि जब मैं शुरुआत शुरुआत पे कर रहे थे और शायद नुकसान हो रहा था, तो आप वेरीफाई कर रहे थे नुकसान ना हो।
बट हैविंग सेड दैट डू यू सजेस्ट कि इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए लिमिटेड या करना ही नहीं चाहिए? नहीं, आई डोंट सजेस्ट कि इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं मैं सजेस्ट करूँगी. देखो हर ट्रेडर का अपना तरीका है. मैं प्राइस एक्शन से अर्न करती हूँ और देर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर जो इंडिकेटर से भी अर्न कर रहे हैं. ओके, बट बेसिकली आपका कोई भी सेटअप हो, चाहे इंडिकेटर्स वाला हो चाहे प्राइस एक्शन वाला, बट उस सेटअप को आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आपने कम से कम उसे 5-6 साल बैक टेस्ट किया हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेप्ट करो. आज का ट्रेडर 5-6 दिन लगा ले एक एनालिसिस. यही तो सबसे बड़ी वो है. आजकल के ट्रेडर को शॉर्टकट चाहिए कि आज मार्केट में हूँ, कल मुझे एक ऐसा सेटअप दे दो जिससे मैं परसों पैसा कमाने लगता हूँ. नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है. मेरा सेटअप मैं इंडियन मार्केट पे टेस्ट करती हूँ, शाम को मेरी DJI पे भी सेटअप चल रहे होते हैं. जब मेरा कोई सेटअप इंडिकेटर में नया सेटअप होता है, मैं DJI पे भी उसको रात को टेस्ट करती हूँ. ऑस्ट्रेलियन मार्केट, मतलब मेरे पास कोई मार्केट मिलनी चाहिए, मैं उस पर टेस्ट करूँगी. अब बोलेंगे मैम आप DJI पे कर रहे हैं, आप DJI में ट्रेडिंग करते हो. मैम DJI में ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट करती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग इज वर्किंग राइट और नॉट. बट ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दे कैन वर्क इन एनी मार्केट कंडीशंस. प्राइस एक्शन कैन वर्क इन एनी मार्केट. मेरे जो सेटअप है जिनसे मैं ट्रेडिंग करती हूँ, आप उसे DJI पे लगा लो, आप उसे इंडियन मार्केट पे लगा लो, आप उसे UK मार्केट पे लगा लो, करेंसीज पे लगा लो, कम्युनिटी पे लगा, सब पे वर्क करेगा क्योंकि वो प्राइस एक्शन है. प्राइस एक्शन सब पे वर्क करते हैं. क्रिप्टो में नहीं चलेगा? क्रिप्टो मैंने कभी ट्राई नहीं किया. आई डोंट नो चलेगा या नहीं चलेगा, बट वो चलेगा, सब जगह चलेगा. मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट करती हूँ. मैं करेंसीज क्योंकि आई जस्ट वांट टू स्पेंड 9:15 to 3:30, उसके बाद आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द मार्केट बिकॉज आई हैव अ पर्सनल है. तो मैं करेंसीज वगैरह, बट चलेगा, मैंने उस पर टेस्टेड किया, वो सब पे चलेगा. एक बेसिक यूज़र के लिए क्विकली आप बता दो कि एक सेटअप का डेफिनेशन 2 लाइन या 3 लाइन में क्या होता है? देखो सेटअप के डेफिनेशन में मैंने आपको सिर्फ 4 चीज़ें बतानी चाहिए. पहला, आपको वो सेटअप मार्केट का मोमेंटम जरूर बताना चाहिए. मोमेंटम मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट इस टाइम करना क्या चाहती है, बुलिश है, बैरिश है, साइडवे है, मोमेंटम. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कब होनी है, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, और आप कहाँ आपने अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है. ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और मोमेंटम बहुत ज़रूरी है. ओके, आई विल गो बैक टू योर स्टोरी कि आपको किसी ने कहा कि प्राइस एक्शन की तरफ देखो, तो आपका जो एवोल्यूशन था टुवर्ड्स लर्निंग प्राइस एक्शन, अभी तक तो इंडिकेटर लगा रहे थे और मेरे को लगता है इंडिकेटर में भी ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे शायद, है ना. बट प्राइस एक्शन किसने कहा? सीखो. तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि प्राइस एक्शन में मुझे क्या सीखना चाहिए. कैंडल स्टिक्स, EMAs, पिवट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उन्होंने मुझे गाइड किया. तो फिर मैंने उसी टॉपिक पे स्टडीज़ करना शुरू किया. मुझे याद है मैंने पिवट पॉइंट पे पिवट बॉस बुक खरीदी थी, उस पे कैमरीला और बुक पर्सन है, उसके बाद बुक जिसने कहा था, मैंने बुक खरीदी थी और मैंने फिर उस बुक को पढ़ा था. तो उससे मैंने कैमरीला पिवट पॉइंट पे एक्सपेरिमेंट करके अपना चार्ट बनाया था, उसमें मैं ट्रेड किया था. बट फिर मैंने कुछ, फिर उन्होंने मुझे EMAs बोली, तो फिर मैंने EMAs पे भी एक बुक ली थी, उसमें मैंने पूरा EMAs पढ़ा. तो उस पर मैंने EMAs के कुछ कॉम्बिनेशन लगाए. फिर एलब्रुक, यू नो द एलब्रुक, उनकी जो प्राइस एक्शन के बुक्स हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर किसी को प्राइस एक्शन सीखना है उनकी बुक जरूर पढ़ो. वो एलब्रुक, उनकी जो प्राइस एक्शन की बुक है ना, वो आपकी मतलब आइज ओपनिंग होंगी. वो आपको प्राइस एक्शन में इतनी डिटेल में चीज़ें बताई हैं ना कि आप खुद समझ जाओगे. उसमें आपको ये समझ आएगा कि अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो उसके पीछे चीज़ रीज़न क्या है. तो वो मैंने पढ़ी. तो मैंने उसके बाद ये सारी चीज़ें बुक्स पढ़ के मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए. फिर मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन अपने लेवल्स मार्क करने शुरू करे. मैं अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करती हूँ कि ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हो रहे होते हैं, सेलिंग बॉक्स और बाइंग बॉक्स, तो वो मार्क करने शुरू करे. उस पर तो आई टुक अ लॉट्स ऑफ, क्योंकि वो खुद मार्क करने होते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. आपको चार्ट में स्टडी करके खुद आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल इंपॉर्टेंस है, ये जोन इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ का. देखो प्रोसेस ये है कि बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन को मैं बोलती हूँ बिग प्लेयर फुटप्रिंट्स. जब देखो जो बिग्स FIs और DAs बिग प्लेयर्स होते हैं, वो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि सिस्टम पे बैठ के वो बैठे वेट करेंगे कि निफ्टी 18,000 पे आएगी तो मैं सेल कर दूंगा. नहीं ना, वो क्या करेंगे 18,000 पे, दे विल सेट अ सिस्टम ट्रेडिंग कि 18,000 पे जब भी निफ्टी आए इनका सेल हो जाए. तो उनकी जो बाइंग सेलिंग जोन्स होती है ना, वो हमेशा वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है कि 18,000 पे गई गिर जाएगी, फिर दोबारा 18,000 पे जाएगी वो गिर जाएगी. तो वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है, या तो कंसोलिडेट करेगी या वहाँ से एकदम से उसे बूम मिलेगा या प्रेशर मिलेगा. तो वो जो होती है ना जोन्स, जो प्रेप फुटप्रिंट बोल दो, ये समझ लो कि कहाँ बाइंग सेलिंग लगी हुई है, कहाँ उनकी, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं. और वो मैं खुद करती हूँ. उसके लिए लोग पीपल आस्क की कोई शॉर्टकट है या अच्छा. कुछ है उसके लिए वॉल्यूम चेक करना होता है? नहीं, वॉल्यूम नहीं, आपको सिर्फ कैंडल स्टडी करनी है. आपको
सिस्टम ओपन करना है, आपको कैंडल स्टडी करनी है। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी जिसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है कैसे, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ, ईजी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कैंडल्स देख के आपको ये समझना होता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं कहाँ उनकी बाइंग है, कौन सा ऐसे लेवल था जहाँ पे मार्केट ने एकदम से एक्युमुलेशन किया या डिस्ट्रीब्यूशन किया, और कौन सा ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट ने एकदम से प्रेशर मिला या बाय, तो ये समझ गए कि वहाँ पे बाइंग सेलिंग है, तो वो आइडेंटिफाई करती हूँ मैं, वो मैं रियली आइडेंटिफाई, उन्हीं के बेसिस पे मेरी बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। ओके, नाउ ये प्रोसेस बन चुका है, स्टिल फॉलो दैट बन चुका है, आई जस्ट फॉलो दैट सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड कुछ ईएमएस के कॉम्बिनेशन है 30 मिनट्स में 15 मिनट में, जो मुझे मार्केट का मोमेंटम समझने में हेल्प करते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश है बैरिश है, कहाँ जा सकती है, कहाँ सपोर्ट ले रही है, तो उन वो मेरा प्रोसेस बन चुका है, तो उन्हीं की हेल्प से मेरा मेरा जो पूरा का मार्केट बोलते हो ना, मैं मेरा पूरा दिन उसी की हेल्प से उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। बट प्राइस एक्शन में ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपको लगातार मार्केट को बस देखना पड़ता है, और जब मार्केट आपके जोन में आती है इस नॉट दैट कि आपको देखना पड़ता है, जैसे अब मुझे पता है कि मेरा ये जोन है, अब इस जोन के ऊपर मार्केट जाएगी तो ही मेरा बनेगा, तो आई कैन जस्ट कीप द अलर्ट ऑन दैट लेवल एंड आई कैन डू माई वर्क, आई कैन डू समथिंग एल्स, सो एज सुन एज अलर्ट विल ट्रिगर आई विल बी एक्टिव ऑन माई ट्रेड। सो इट्स नॉट दैट कि प्राइस एक्शन में आपको सारा दिन देखना है, अगर आपके पास एक सेटअप है, आपको पता है कि आपको कब ट्रेड करना है, तो आप जस्ट अलर्ट लगा के छोड़ दो। दिन में कितने ट्रेड करते हैं आप? कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला है प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होना चाहिए, लॉसेस फिक्स होने चाहिए। अगर आपने मार्केट में जैसे आरबीआई का भी पीछे दिन आया था, आरबीआई पॉलिसी था, मार्केट ने कितना अच्छा बूम दिया था एंड आई मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑन दैट डे, मैंने शेयर भी किया था अपने ट्विटर पे। तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैप इट, क्योंकि मार्केट किस दिन क्या है, हो सकता है आज तुमने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम्हें आगे कुछ दिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो मेरा प्रॉफिट फिक्स नहीं है, मेरा लॉसेस फिक्स होते हैं कि मुझे इतने स्टॉप लॉस और इतने लॉसेस के बाद अपना सिस्टम बंद करना है, पर प्रॉफिट हमेशा जितना मुझे ट्रेड मिलेंगे आई विल डू इट। और ऐसे भी दिन होते होंगे जिसमें पूरा दिन ट्रेड नहीं किया? नहीं भी मिला, तो वही तो है ना, एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे, रोज ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ एक माइंड सेट में लोगों को होता है कि रोज ट्रेडिंग करनी है, वही तो होता है, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिले जितने ट्रेड करने कर लो, जिस दिन नहीं अपॉर्चुनिटी उस दिन वेट करो। और इसमें एक चीज़ होती है मार्केट में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट में 10% ट्रेडिंग है, 90% आपकी वेटिंग है, अगर आपने वो वेटिंग वाली चीज़ को सीख लिया ना आप कर जाओगे। अब 9:15 में मार्केट खुली है, 9:15 पे 15 के 15 भी हुएंगे ना 5 सेकंड ऊपर, तो लोगों को बेचैनी शुरू हो जाती है, ट्रेड लेना है पैसा कमाना है, राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तो लो, नहीं आ रही तो इट्स ओके, एवरी डे मार्केट ओपन होगी, आज नहीं मिली तो कल खुलेगी। But what's your routine like? सुबह नौ मार्केट खुली है, you sit शायद एक घंटा पहले ही मार्केट खुलने से। मैं 8:30 तक अपना सिस्टम ऑन करती हूँ, जैसे मैंने बताया मैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट को स्टडी करके US मार्केट को स्टडी करके एक व्यू ज़रूर बनाती हूँ, मैं 9:15 पे नहीं, मेरा 8:30 सिस्टम ऑन हो जाता है, देन आई स्टडी की कल यूके मार्केट US मार्केट में क्या हुआ कैसे गई, फिर मैं थोड़ा देखती हूँ कि कल कौन से लेवल्स पे मार्केट ने लिहाजा, जिसमें आपको बताया मैं जोन्स मार्क करती हूँ, जोन से मोस्टली मैं एक दिन पहले रात को मार्क कर देती हूँ, क्योंकि उनको क्या करना है कैसे, मैं उनको मार्क कर देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि कल मार्केट ने क्या किया, फिर प्री मार्केट एनालिसिस की कहाँ खुल रही है पॉजिटिव या, फिर 9:07 पे प्री मार्केट के बाद मैं एक प्री मार्केट एनालिसिस करती हूँ कि कौन से लेवल पे खुल रही है, यहाँ से अब कौन सी जोन से ये ब्रेकआउट ले सकती है, कौन सी जोन से ब्रेकडाउन ले सकती है, तो वो सारा मैं स्टडी करती हूँ। सो प्राइस एक्शन सीख भी लिया, अब गोइंग बैक टू द स्टोरी, अभी कैश में देख रहे थे इसको, डिलीवरी में देख रहे थे या आगे थे फ्यूचर्स, सॉरी मैं देखो मैं ऑप्शन में नहीं, नाइन मैं 2015 में तो नहीं आई थी, तब मैं ज़्यादातर स्टॉक्स में ही थी। मैं ऑप्शन में 2016 एंड में थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, पहले नहीं, पहले मेरी ज़्यादा जितनी होती थी मेरे स्टॉक्स होते थे, मैं ऑप्शन को उसमें मज़ा आ रहा था, हाँ उसमें अच्छा आ रहा था, ऐसे ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है, स्टॉक्स में पैसा बनता है, ऐसा लोगों का एक अजम्पशन है कि पैसा सिर्फ ऑप्शन में ही बनता है, कैपिटल का इशू होता है, पहले मार्जिन बेनिफिट काफ़ी अच्छे मिलते थे, अब थोड़े कम हुए हैं, बट पहले तो मिलते थे ना मार्जिन बेनिफिट, तो अच्छे थे, तो आई यूज़ मार्जिन बेनिफिट्स, तो कैपिटल का ऐसा कोई इशू नहीं था, बट ठीक है कम क्वांटिटी थी कम प्रॉफिट था बट एक कंसिस्टेंसी थी। मुझे देखो मुझे ऐसा मेरा कभी भी स्टॉक मार्केट में आने में मेरा ये नहीं था कि मुझे बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे था मुझे एक कंसिस्टेंट इनकम बनानी है, मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स, मतलब अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मूव जैसे होते हैं ना, तो मुझे एक इनकम सोर्स करना था कि मुझे कुछ करना था, मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो मेरा था जिससे मैं थोड़ा स्लो स्टडी स्टार्टेड। अब जो बंदा इस बीन देयर इन द मार्केट नुकसान खा चुका है उसके बावजूद स्टिल ट्राइंग टू लर्न इट, तो सीरियस ही है ना, उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी सोर्स बनाना ही बनाना है।
देखो मार्केट में क्या होता है, पीपल जंप इन टू द मार्केट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी. उनके साथ क्या होता है कि उनको होता है कि बस कमाना है जल्दी. अब स्लो अगर आप चलोगे तो आप कमा पाओगे, आप फास्ट चलोगे तो आप थक जाओगे. जैसे मैं बहुत एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी एग्जांपल वैसे आती रहेगी, एरोप्लेन है. अब एरोप्लेन ने एक ऊंची उड़ान उड़नी है, वो एकदम से तो नहीं उड़ता ना, वो पहले स्लो रनवे पे चलेगा, फिर आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ेगा, फिर उड़ेगा. करेक्ट. अगर वो शुरू में उड़ा तो वो क्रैश. तो ये चीज़ मार्केट में है. आपको अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मैटर नहीं करता. स्लोली स्लोली अपनी चीज़ों को बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, चीज़ें चलती हैं. व्हाट मेड यू फ्रॉम कि आप कैश में थे, बाइंग ऑप्शंस में क्यों? देखो कैश, और ये तब का टाइम है जब कोई भी नहीं जा रहा था. हाँ देखो, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग, देखो एक लेवल अपने लिए एक लेवल तो सेट करना होता है ना, कि देखो अब मुझे पता था मैं कैश में अच्छा कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, फिर मुझे अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा तो इंक्रीज़ करना था, अब कंसिस्टेंटली थोड़ा, तो देन आई स्टार्टेड एफिनो ट्रेडिंग, कि अब मुझे थोड़ा इंडाइसिस अच्छा. को भी करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को जब एक चीज़ अच्छी चल रही है तो यू हैव टू जंप इन टू अनदर थिंग. तो दैट मेड मी. बट एकदम से स्विच तो नहीं होगा ना, नहीं नहीं नहीं, स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कभी एक दिन कर लिया, कभी दो दिन कर लिया, कभी स्टडी कर लिया. पहले तो मैं सिर्फ निफ्टी समझती थी, बैंक निफ्टी तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है. अच्छा. जबकि लोगों का प्यार बैंक निफ्टी है, मेरा प्यार निफ्टी है. तो मैं पहले निफ्टी, मैंने शायद 2019 के बाद, ये थंबनेल का टाइटल रख लूं मैं? हाँ, क्या मेरा प्यार, प्यार निफ्टी, निफ्टी हाँ, आप रख लो. देखो मैंने 2019 तक तो कभी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि बैंक निफ्टी पता नहीं मुझे एक होता है ना एक दो बार ट्राई किया तो हमेशा मुझे बैंक निफ्टी में लॉसेज हुए, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ. तो मुझे बैंक निफ्टी के साथ इतना नहीं था, मैं निफ्टी में ही शुरू किया. निफ्टी, बैंक निफ्टी के कंपेयर थोड़ी कम वॉलेटाइल है, थोड़ा इजीली टू हैंडल हो जाती है, बट होती है, बट थोड़ी इजी हैंडल हो जाती है. तो मैंने निफ्टी से स्टार्ट किया. बैंक निफ्टी तो मैंने 2019 एंड या 20 में बैंक निफ्टी स्टार्ट किया होगा. अभी भी मेरी पहली प्रायोरिटी निफ्टी होती है, बट अब मैं बैंक निफ्टी फिर भी अब इतने साल हो गए तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ. अच्छा. तो मैंने थोड़ा थोड़ा निफ्टी में स्टार्ट किया, और पहले फ्यूचर लेती थी, क्योंकि पहले आपको पता है फ्यूचर में भी बहुत मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था. अब एक दो साल पहले बहुत मार्जिन बेनिफिट का भी कैंपेन किया था एक. हाँ. छोटा सा आई नो, पर कुछ नहीं हुआ था. अभी भी कुछ नहीं हो रहा है. हम कुछ नहीं हो रहा है. सेबी को भी लिखा है, उनके इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया, बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. हाँ, दैट इज डिफरेंट डिस्कशन. तो पहले अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था. हाँ. तो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग, पहले मैंने एफएनओ में, पहले मैंने ऑप्शन नहीं करी थी, पहले मैंने फ्यूचर करा था. जब मैं कैश से पहले मैं फ्यूचर में जंप आई थी, ऑप्शन में बाद में आई हूँ, पहले मैंने कैश से फ्यूचर में आई थी. ओके. फ्यूचर से फिर मैं ऑप्शन. अभी इन तीनों सेगमेंट्स में क्या प्राइस एक्शन के साथ फर्क क्या लग रहा था? देखो चैलेंज क्या थे और अपॉर्चुनिटीज. देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है. ऑप्शन बाइंग चैलेंजिंग होती है कि आपको अगर प्रॉफिट भी जल्दी होता है तो आपको लॉसेज भी जल्दी होते हैं. करेक्ट. क्योंकि उसमें टाइम डीके, कभी साइडवे मार्केट, तो उसमें लॉसेज की प्योर ज़्यादा होती है. तो मुझे फ्यूचर और कैश ट्रेडिंग से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगती है. बट अगर आप मैनेज कर लो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, टाइम डीके इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग. आप कई बार हो सकता है कि मार्केट चली जाए, आपको ऑप्शन में वो प्रॉफिट ना मिले जितना है, तो आप अगर वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो तो ऑप्शन बाइंग में भी आप अच्छा कर सकते हो. देखो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट होता है. ऑप्शन बायर क्या करता है, अगर वो 15,000 के ऑप्शन खरीद रहे हैं, ठीक है, वो 15,000 से 5-10,000 कमाने की कोशिश करेगा. उसे चाहिए 50-60-70% ROI. इतना तो चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए. अगर उससे कम आई आरओआई होगी तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. हाँ. और फिर वो ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे. अब एक ऑप्शन बायर, अगर एक फ्यूचर ट्रेडर हो आप या ऑप्शन सेलर हो, तो आप इतनी आरओआई तो सोच ही नहीं सकते. आपको आरओआई छोटी में मिलेगी तो भी वो हैप्पी हो जाते हैं. वो भी लिमिटेड पता होता है, लिमिटेड होता है. अगर किसी ऑप्शन सेलर को 3-4% आरओआई होगी तो ही इज लाइक इट्स मेड माई डे. और अगर किसी ऑप्शन बायर को 3-4% होगी, वो कहेगा ये क्या है, तो चिल्लड़ आई है, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया. तो ऑप्शन बायर को ये चीज़ें एक्सेप्ट पहले करनी होगी. ओके. क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या लगता है कि जैकपॉट एक लॉटरी की टिकट लगती है, और थर्सडे को तो सबसे ज़्यादा. हाँ. कि मैं आउट ऑफ मनी 10 रुपये की लूँगा, मैं पक्का 100-200 में बेचूंगा, नहीं होता ऐसा. तो आपको ऑप्शन बाइंग में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि ठीक है, ROI जो आज मार्केट मुझे देगी आई एक्सेप्ट इट. अब कई बार ऑप्शन आते हैं मेरे, जैसे कुछ होते हैं, मैम मार्केट तो भाग रही है, ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, साइडवे मार्केट है, टाइम डीके हो गया. अब टाइम, अगर आप छोटी कैपिटल से प्रॉफिट कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको टाइम डीके तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आपको टाइम डीके नहीं है तो बिकम ऑप्शन सेलर, पर आपको मार्जिन नहीं है, पैसा चाहिए तो आपको पैसा भी नहीं लगाना है, और आपको फ्रूट भी बहुत, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ठीक ठीक जितना आया आई एम हैप्पी.
अब वो 50-60% ऑप्शन बाइंग में ROI रोज नहीं मिलती है, कभी मिल भी जाती है पर रोज नहीं मिलती है, और वो रोज चाहिए तो फिर। अच्छा मार्केट तो 40 पॉइंट चली गई थी, मुझे तो सिर्फ ऑप्शन में 15 पॉइंट मिले, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जो ऑप्शन को जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका उसका टाइम वैल्यू है प्रीमियम अकॉर्डिंग उतना बढ़ेगी। तो वो चीज़ें अगर आप ऑप्शन बाई में एक्सेप्ट कर लो ना, तो आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे कि ठीक है ROI जो भी आएगी आई विल एक्सेप्ट इट। और वही जो एक्स्ट्रा ROI जो इनको चाहिए ना ऑप्शन बाई में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक ऑप्शन बायर को सोचने के लिए। ऑप्शन बाई में एक और चैलेंज होता है कि इसमें 100 का 1000 हो जाएगा, हाँ 100 का 500 हो जाएगा, 100 का 1500 भी हो जाएगा, और 100 का 70 रह जाएगा, 100 का 0 भी हो जाएगा। बंदे को कभी पता नहीं लगता है कि मैं एक्चुअल में कितना पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि अपर कैप नहीं है ना, और बंदे को ये भी पता है कि मेरा नुकसान कितना सारा हो सकता है। तो रिवॉर्ड और रिस्क को लेके ना, रिस्क रिवॉर्ड एक परसेंटेज नहीं बन पाता है। देखो मैं जब मेरे जितने भी सेटअप हैं वो सारे स्पोर्ट चार्ट पे होते हैं, मेरे ऑप्शन चार्ट में कोई सेटअप नहीं है। हाँ। तो मेरा मुझे पता है कि मेरा टारगेट फिक्स है कि अगर मुझे स्पोर्ट चार्ट, जैसे मैंने निफ्टी लिया 17,000 पे, मुझे मेरा टारगेट फिक्स है 17,100। अगर मेरा स्पोर्ट चार्ट 17,100 टच कर जाएगा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे ऑप्शन में, अच्छा ये तो 100 पॉइंट अलग है, मुझे ऑप्शन में 40 मिले, मुझे 60-70 पॉइंट मिलने चाहिए, तो वो चीज़ मैं नहीं देखूंगी। मुझे निकलना है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट चार्ट को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फिर ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो एक्सेप्ट होती है, लेकिन डिसिप्लिन आता कैसे है, क्योंकि अपन नहीं, वो ये तो अपने आप पे खुद काम करना पड़ता है। डिसिप्लिन कोई नहीं सिखा सकता, खुद करना पड़ेगा। नुकसान सिखा सकते हैं, नुकसान सिखा सकते हैं। क्यों नुकसान होएगा तो बंदा कहेगा ना अगली बार ध्यान रखूंगा मैं। सिखा सकते हैं पर करेगा नहीं ना। जब नुकसान हो जाएगा तो वो बंदा फिर कभी भी मैच है बोल दूँ कि आज तू ट्रेडिंग कर, अगर जरा 2000 का नुकसान हो गया तो सिस्टम बंद करके उठ जाएगा, वो नहीं उठेगा, वो 2000 को कवर करने की कोशिश करेगा। जब तक 3:30 मार्केट बंद नहीं हो जाएगी वो बंदा सिस्टम से नहीं उठेगा। मतलब आई हैव सीन सम ट्रेडर जो 1:15 सिस्टम के सामने बैठते हैं तो 3:30 तक दे कांट इवन टेक अ वॉशरूम ब्रेक, क्योंकि खाना भी वहीं खाते हैं, कहीं तो खाते भी नहीं है। ओके लंच बाद में, लंच बाद में 3:30 के बाद उनका लंच होता है। दे स्टिक टू द सिस्टम लाइक दैट। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ट्रेड चल रहा होगा, मैं कहीं इधर उधर बात भी कर रही होंगी, फ़ोन पे मैं इधर होंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लोगों को गाइड भी कर रही होंगी। मेरे को पूछते हैं कि मैम ट्रेड चल रहा है, आप गाइड कर रहे हो, मुझे पता है ना मेरा टारगेट है, मुझे पता है मैंने अपना कोई ट्रेड लिया, मैं टारगेट पे अपना स्टॉप वो लगा दूंगी, अलर्ट स्टॉप लॉस के थोड़े फ्यू पॉइंट पहले अलर्ट लगा दूंगी। मुझे क्या करना है, जब सिस्टम अलर्ट मारेगा मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। बट ये माइंडसेट तो फिर एक्चुअली थोड़ा डिग्रेसिंग भी है, नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाएगा। व्हेन यू स्टिक टू द स्क्रीन तो तुम दिमाग कहाँ चलाओगे। व्हेन यू स्टिक टू द स्क्रीन आपका क्या होगा, आप सिस्टम के सामने बैठे रहोगे ना तो आपका ट्रेड नहीं भी बन रहा होगा तब भी ट्रेड लोगे, क्योंकि आपको मार्केट कॉल करेगी। तो इसलिए आप अलर्ट लगाओ, मेरा ये फंड है अलर्ट लगाओ। नहीं तो अगर आप खुद डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे में कंट्रोल नहीं है, तो जंप टू एल्गो ट्रेडिंग। तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको अपने ट्रेडर में अपने आप में डिसिप्लिन है ना, अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको देखना ही नहीं है। जब लॉस हो जाएगा पता चल जाएगा। अब आप बैठे हो क्योंकि लोग प्रॉफिट हो जाता है तो हम सोचते इतना सा प्रॉफिट थोड़ा वेट कर लूँ, या क्या उस चक्कर में पता लगा टारगेट से मार्केट घूम गई। तो कभी भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो मत देखो। इट्स इंटरेस्टिंग यू से दैट, क्योंकि मेरे को ना कल ही एक फ़ोन आया। तो कोई हैं जान पहचान के जो थोड़ा बाहर रहते हैं इंडिया से, उन्होंने कहा यार एक बंदा चाहिए। उन्होंने कहा क्या करेगा वो, कि बस उसको कुछ नहीं करना है, मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसको लॉगिन करना है और ट्रेड्स करने हैं स्पेसिफिक। बहुत अच्छा चीज़ है, जो जो पॉइंट बोलेंगे वही वही करना है, कोई दिमाग नहीं चलाना, कोई स्ट्रेटजी नहीं आनी चाहिए उसको। हाँ ट्रेडिंग करनी कैसे होती है, ऑर्डर कैसे लगाना होता है, बस ये आना चाहिए, इतना जॉब रिक्वायरमेंट है। सुबह 9:15 आना है, शाम को 5:15-5:30 चले जाना है। मैंने कहा यार मतलब इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही हैं कि जो लोगों को सिस्टम चलाना है। साइकोलॉजिकल बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप खुद अपना ट्रेड नहीं ले रहे हो ना, आप किसी और को बिठा रहे हो, तो आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो, आपको चीज़ें वो इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो बोलती हूँ अपने वाइफ को बोल दो, या जो भी आपका बंदा है जिसको ट्रेडिंग आती है उसको बिठा लो। और बहुत सारे बड़े ट्रेडर आजकल यही कर रहे हैं, खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं यू ट्रेड आई जस्ट फॉलो। और उसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि आप तो सिर्फ चार्ट देख रहे हो ना। क्योंकि अगर आप चार्ट के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो इमोशन इफेक्ट करेंगे। या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप नहीं इमोशन इफेक्ट करें, थोड़ा स्ट्रेटजी, क्योंकि इमोशन लेस होके ही काम काम पाएगा। एक चीज़ ना मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जो ट्रेनर होते हैं, जब मेंटर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ छुपाते हैं। वो जब भी कभी ट्रेनिंग देंगे, या जैसे मैं भी कभी मेंटरशिप लेती हूँ, तो एक होता है कि मैम ने कोई सीक्रेट रखा हुआ। कोई हम सीक्रेट नहीं रखता, कोई सब बता देते हैं, बट जो उनका माइंड सेट है वो आप कैसे ले लोगे। मैं आज एक ट्रेडिंग सेटअप आपको बता देती हूँ कि ले लो,
अब मैं जैसे अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मैं आपको बताया मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, मुझे आज मैं बोल दूंगी कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग से बन गया, आप निफ्टी बैंक निफ्टी की लेके जा सकते हो अगले दिन के लिए, मैं बोलूँगी अगले चार दिन नहीं निकलना, जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भागेगी आपका दिमाग में आना, नहीं यार निकल जाते हो नीचे आगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, मैं नहीं निकलूँगी क्योंकि मैं अपने टारगेट पर निकलूँगी। तो माइंड सेट कैसे लाओगे? कोई कुछ नहीं छुपाता है, जो आपको मेंटर्स होते हैं, जो आपके जो ट्रेनर होते हैं वो कभी नहीं छुपाते, बट उनका माइंड सेट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोई गोली एक ऐसा सेटअप दे देंगे कल से मैं उस पर ट्रेड, उस पर आपको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको खुद तो उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब स्कूल में हमें टीचर्स पढ़ाते थे, सिर्फ हम क्लास में अगर टीचर्स ने बोला पढ़ लिया हम पास हो जाते, नहीं ना, हम खुद पढ़ते थे, ट्यूशन्स भी लेते थे, मेहनत करते थे, तब जाके हम अच्छे मार्क्स लाते थे हम सिर्फ स्कूल में। तो अगर आपको कोई मेंटर है जो कोई आपकी हेल्प कर रहा है, जो मतलब आपको सिखा रहा है, तो जस्ट ट्रस्ट दैट पर्सन। अगर उसमें कॉन्फिडेंट लाना है तो जो उसने सिखाया उसे बैक टेस्ट तो करो, खुद तो मेहनत करो, तभी तो आप एक सक्सेसफुल। अब आपको कोई चाहिए कि शॉर्टकट तो नहीं दे सकते, जादू की छड़ी चाहिए, और ये होता है सबको शॉर्टकट चाहिए, तभी तो टिप्स चैनल बहुत पॉपुलर है। सबको शॉर्टकट चाहिए मार्केट में पैसा, और मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है। अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतना जल्दी पैसा कमा पाओगे, बट मेहनत के साथ साथ साइकोलॉजी। बट टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ किस तरह से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यू हैव मैनेज्ड? मैं 2015-16 से बात कर रहा हूँ अभी तक। देखो 2015 जब मैंने एक सिस्टम ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी थी, तब मैंने ये किया था कि मेरे दिमाग में मैंने जब मेरे मेंटर ने मुझे बोला था कि तब भी मेरा भी यही होता था, मैं अपने लॉसेस फिक्स नहीं थे, मेरा प्रॉफिट फिक्स था। तो मैं कभी कमा रही थी कभी गवा रही थी, तो कई बार ऐसा भी होता था जितना एक चार पाँच दिन में कमाया एक दिन में सारा मार्केट को दे दिया, तो ऐसे चल। तो तब मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक पढ़ी थी, दैट वाज अ ट्रेडिंग इन अ मार्क डॉगलस की बुक है ट्रेडिंग इन अ जोन। यू हैव इट समवेयर, मेरे पास भी घर पे है। तो वो बुक पढ़ी थी, तो फिर मैंने अपने मेंटर से भी बात करी थी, तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि देखो अगर तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अब तुम्हारे पास सेटअप है, तुम्हें पता है एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, तुम चीज़ों को तुम उस लाइन पे सही जा रही हो, उस लाइन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अब तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो तुझे अपने माइंड सेट पर काम करना पड़ेगा। और इसमें मैं बताऊंगी, एक तो मेरी एल्गो ने बहुत हेल्प करी, मैंने अपने आप को जब देखो क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं भी इमोशंस मेरे को लग रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड, क्यों तो जैसे मैंने बताया था, तो मैंने ये सोचा कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ मैं उसको सिस्टम को बोल देती हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे करेक्ट। तो मैंने फिर वो एल्गो ट्रेडिंग ने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मेरे सिस्टमेटिक हो रहे थे एल्गो अपने, बट एल्गो ट्रेडिंग में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या होती है, एल्गो बीच में बंद कर देंगे ट्रेड, एल्गो में भी ट्रेड चल रहा है उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहेंगे, फिर एल्गो ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं, फिर तो ऑन करो मैनुअली हो गया ना, ऑन करो और उससे अपना काम करने दो, शोर दो, बट उसके पीछे जो आपने सेटअप यूज़ कर रहे हो जो भी सेटअप रूल्स हैं वो आपके खुद के हैं, आपको पता है, अगर आपको उन पर कॉन्फिडेंस है तो छोड़ दो। तो ये चीज़ें, और उस पर उसके साथ मैंने एक चीज़ और करी, मैंने ना देखो मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं हूँ, मेरे पास 5-6 सेटअप है। मैं वापस आपके रूटीन पे आ रहा हूँ, आ जाओ। तो 10-11 बज गए मान लो, जनरल रूटीन में क्या हो रहा है कि इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? देखो मेरा जो रूटीन है, मैं जैसे बताया मैं 9:30 से के बाद ट्रेडिंग करती हूँ, 9:30 से लेके मैं 11:30 तक देखती हूँ, जो 11:30 से 1:30 बजे तक मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग अवॉइड करती हूँ, रीज़न अच्छा, क्योंकि अवॉइड करती हूँ क्योंकि 11:30 से 1:30 बजे तक आप देखोगे ना मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रहती है, बहुत कम मार्केट में वॉलिटिटी इतनी नहीं होती जितनी 7:00 पे होती है और शाम को, तो फिर मैं 11:30 से 1:30 बजे के बीच में मेरी कम ट्रेडिंग होती है। मैं बताता हूँ क्यों वो रेंज बाउंड रहती है, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ना वो यही सोचते हैं कि रेंज बाउंड है तो करते नहीं, करते तो नहीं है। कोई भी नहीं करता तो ये सोच लो। तो फिर मैं 1:30 बजे के बाद फिर एक्टिव हो जाती हूँ, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं करूँगी, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसमें मुझे ट्रेड ना ही करूँ। ओके, प्राइस सेक्शन पे आई हैव लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कुछ ऐसे चैलेंज या दिक्कतें जो दिखी प्राइस सेक्शन को यूज करते हैं जो अभी भी हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे? देखो प्राइस एक्शन में अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको चार्ट से प्यार करना पड़ेगा। आपको चार्ट में वो होता है ना, जैसे कई होते हैं चार्ट पढ़ा बहुत जल्दी बोर हो जाओ, तो अगर आप वो कर सकते हो तो प्राइस एक्शन नहीं, चार्ट, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज समथिंग कि आपको कोई इंडिकेटर आके नहीं दे रहा है, आपको कैंडल्स को समझना है, आपको मार्केट को समझना है, आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रही है का। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा यही है कि आपको चार्ट्स को समझना पड़ेगा, वो अगर आप कर गए
तो फिर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हो। अभी भी कई बार होता है कि मेरा मार्केट मोमेंटम बोल रहा होता है बुलिश है, बट मार्केट गिर जाती है और लॉसेज हो जाते हैं, तो वो मैं आई एम एक्सेप्टिंग दैट, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल होती है तो कई बार प्राइस एक्शन आपको धोखा भी देता है, बट ठीक है ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आप लॉसेज भी तो एक्सेप्ट करो। अब जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो उस दिन ये सोचो कि ठीक है, कई बार होता है कि आज मेरा प्राइस एक्शन बुलिश है, मैं बुलिश लेके बैठी हूँ, बट मार्केट नीचे आ गई तो इट्स ओके, स्टॉप लॉस हुआ है। अब लोग कई होते हैं कि देखो एक दो ट्रेडर बैठे हैं, कभी भी दो ट्रेडर एक मार्केट को लेके एक जैसा व्यू नहीं बनाएंगे, और प्राइस एक्शन में तो हर किसी का व्यू अलग होगा। अब मैं बोल रही हूँ बुलिश है, मैंने मार्केट नीचे होगा कि किसी और ने खिलाफ बोल दिया बैरिश है उसकी, तो आज वो सही था फिर मैं सही हो जाऊँगी। तो बस प्राइस एक्शन में बेसिकली ये होता है कि आपका जो व्यू होता है तो आपका ही व्यू होता है, फिर उसको आपको समझना था, क्योंकि व्यू मार्केट फिर जो आपको, क्योंकि जिस हिसाब से आप कैंडल समझ रहे हो, आप मार्केट को समझ रहे हो, आप उसी अकॉर्डिंग मार्केट को स्टडी करते हो। दूसरा बंदा कैसे स्टडी कर रहा है वो उसका व्यू है, सबके लिए मार्केट अलग है, खुद की है। हाँ, इंडिकेटर ट्रेडिंग में होता है कि अगर एमएससीडी से कोई कर रहा है तो एमएससीडी तो सबको फिर एक ही जैसा व्यू देगी। प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा यही है कि हर बंदे का व्यू अलग होगा। बट इसमें ऐसा ही तो होता है ना, प्राइस एक्शन में लगातार यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग एट द चार्ट। नहीं, शुरू में नहीं, शुरू में, शुरू में तो ये, अब नहीं, अब तो मैं अलर्ट्स लगा देती हूँ, जैसे मैं नॉट यू लाइक, अगर कोई बिगिनर या कोई ट्रेडर है उसको देखो, ऐसा नहीं है, आपको अगर आपने सेटअप बना लिया ना तो आपको पता है कि मुझे सेटअप नहीं, सेटअप तो बन गया तो फिर तो चिल है लाइफ। अच्छा, हाँ, पहले तो आपको फिर एक्सपेरिमेंट आपको खुद करने पड़ेंगे इसमें। आपको कुछ वो बोलते हैं ना कि जैसे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको अपने सेटअप, अपने एक्सपेरिमेंट खुद करने पड़ते हैं। जैसे एमएससीडी है या आरएसआई है, तो ये आपको पता है कि आरएसआई अबव 80 बुलिश, आरएसआई वो आपको पढ़ा पढ़ाया मिल जाएगा। प्राइस एक्शन में आपको कुछ भी पढ़ा पढ़ाया नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने बोला मैंने ये बुक्स पढ़ी, अब उस बुक्स में से मैंने सिर्फ डेटा लिया, अब उस डेटा को यूज़, जैसे मैंने ईएमएस पढ़े, ईएमएस तो बहुत सारे 5, 20, 10, 50, बट कौन सा ईएमएस मुझे यूज़ करना पड़ा वो मुझे खुद ढूंढना पड़ा कि अच्छा 10, 20 का कोई कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है 5। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक चैलेंज है कि आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें खुद बनानी, ये खुद का है, ये एक ऐसा समझ लो कि एक आपका स्कूल का एग्जाम है, तो आपको पता है इस बुक से आना है, बुक पढ़ के चले जाओगे। आपने कोई एंट्रेंस देना है यूपीएससी या कुछ, उसमें आपको नहीं पता कुछ आना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज लाइक दैट ओनली, कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी चीजें खुद बनानी पड़ेगी। एल्गो ट्रेडिंग, यू आर अ फैन, यू हैव बीन यूजर ऑफ एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। तो 4 साल से एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके बारे में भी किसी ने बताया था या इसके बारे में? देखो मैं, जैसे मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली भी, मतलब हस्बैंड भी आईटी बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मैं जो कर रही हूँ सिस्टम कर ले, क्योंकि दैट टाइम मैं बताती हूँ, मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा था, 5 ईयर बैक, तो ही जस्ट बोर्न, तो वो टाइम, एक टाइम तो अब बेबी छोटा है तो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट। तो फिर मेरे दिमाग में वही आया था कि एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से कि जो मैं कर रही हूँ वो सिस्टम भी कर ले, तो फिर वहाँ से थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग, तभी एल्गो ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी इंडिया। अच्छा। इतनी नहीं थी, अभी तो, अब तो फिर भी एल्गो ट्रेडिंग का तो ट्रेड ऑन वगैरह बहुत सारे वेबसाइट, पहले थी एल्गो ट्रेडिंग मार्केट में, बट वो बूम नहीं था, एल्गो ट्रेडिंग इतने लोग जानते नहीं थे। तो थोड़ा मैंने फिर वो स्टडी करना शुरू किया कि एल्गो ट्रेडिंग होती कैसे है, तो जब उसे स्टडी किया तो फिर मैंने सर्वर पे अपने पाइथन से, पाइथन और .NET में पूरी कोडिंग करवाई अपने सेटअप की, तो वो एक स्टार्ट हुआ। बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसमें मेंटेनेंस बहुत होती है, सर्वर ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, और आपका कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको एक बैक बंदा भी चाहिए जो उसको समझे करे ठीक, तो बहुत कंबसम प्रोसेस। हाँ, तो उस पे चलता रहा, सही चल रहा था, मेंटेनेंस भी थी, बट फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं एल्गो ट्रेडिंग को और एक्सपेंड करने लगी, स्टडी करने लगी, तब मुझे पता लगा ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी एल्गो ट्रेडिंग हो सकती है। ओके, मतलब ट्रेडिंग व्यू में आप यू कैन मेक योर ओन इंडिकेटर और उसके थ्रू भी आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, बस यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन कोड यू। वो बहुत सिंपल है, सिंपल 5 वे है कि उसमें आपका, आपकी ट्रेडिंग व्यू में अपना यू हैव टू, बट यह है कि आपको इतना होना चाहिए कि आपको पूरा, आपको सेट ऑफ इस बंदे के साथ पूरा बैठ के आपको एक एक चीज उसे समझानी पड़ेगी कि मुझे ये रूल्स चाहिए, मुझे ये रूल्स चाहिए, तो वो आपको पूरा करवाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें सारे होते हैं कि अच्छा मुझे कितने बजे ट्रेड नहीं करना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है, हाँ मुझे कितने बजे ट्रेड स्टार्ट करना है, मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, मुझे फ्यूचर करना है, तो हर चीज़ उसमें मेरा इंस्ट्रक्शन होती है, मेरे जितने भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर उसमें सब कुछ सिलेक्ट करना होता है पूरा। इसको कस्टमाइज बाद में कर सकते हैं, कैन चेंज थिंग्स ऑन योर ओन, कि आपको फिर डेवलपर ही चाहिए होगा? नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद मतलब मैंने उसे ऐसे किया है कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन, मतलब मुझे, मैं आज मुझे कैसे ट्रेड करना है,
क्या उसमें ऑप्शन बाइंग करनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने बजे ट्रेड करना है, कितने नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस करने हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को इनपुट्स देती हूँ। मैंने उसे ऐसे मॉडिफाई कराया है कि मेरी इनपुट्स के अकॉर्डिंग चले, बस वो इनपुट्स सिस्टम उठाता है। तो वो है एल्गो ट्रेडिंग को समझने में कितनी दिक्कतें आती हैं शुरू बंदे को? देखो एल्गो ट्रेडिंग बना लिया समझने में, देखो आईटी बैकग्राउंड होने का मुझे ये फ़ायदा तो हुआ था क्योंकि आई एम फ्रॉम कंप्यूटर नॉलेज और मुझे फिर उस चीज़ में काफ़ी मैं जल्दी कर गई थी क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से तो मुझे चीज़ें एक समझ आती हैं। कोई न्यू टर्म का हो तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि देखो डेवलपर डेवलप कर देगा पर उस डेवलपर के साथ बैठ के एक एक चीज़ समझानी तो आपको पड़ेगी ना। और जब आप आईटी टेक डेवलपर मिलते कहाँ से हैं? फ्रीलांसिंग ढूंढने पड़ते हैं। ओके, मतलब एक नॉर्मल बंदे को कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे मेरे ख्याल से अपवर्क है एक वेबसाइट, हाँ अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है काफ़ी ऐसे, तो उनसे आपको मिलने ढूंढने पड़ते हैं। ओके, पर ये भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है, एक सही राइट डेवलपर ढूंढना भी एक सही काम, क्योंकि मेजर चैलेंज यही है कि आपको एक करेक्ट बंदा मिले। ठीक है, बट चलो मिल गया, उसको मुझे बताना क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। लाइक व्हाट? तीन चार मुझे एग्जांपल दो आप। लाइक व्हाट? की जैसे आपने कितने बजे मैंने ट्रेड ऑन टाइम क्या होना चाहिए, उसका क्या चेकबुक्स होगा, मैं क्या बाइंग करना चाहता हूँ, कितनी क्वांटिटी, तो पूरा आपको एक एक लाइन उसको लिख के देनी पड़ेगी कि आपका सेटअप चलता कैसे है, कब आपके सेटअप ने एंट्री करनी है, कब टारगेट सेट करना है, क्या स्टॉप लॉस करना है। तो आप मानोगे जब मैं किसी को अपना भेजती हूँ तो कम से कम 20-30 पेजेस का डॉक्यूमेंट जाता है जिसमें एक एक, क्योंकि डेवलपर को नहीं पता ट्रेडिंग क्या है, उसको नहीं पता कि आपका सेटअप कैसे का। उससे अगर आप एक चीज़ अगर आपने एक लाइन लिख दी कि यहाँ से यहाँ नहीं जाना तो वो नहीं करेगा, तो आपको पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बतानी पड़ेगी कि भैया ये मुझे ये चाहिए और तुझे ये बना के देना है, और उसके साथ पूरा बैठना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, उसको फिर अटेस्ट करना पड़ेगा। तो इतना वो किया आसान नहीं है, बट एक बार आप कर जाओ तो फिर आप कर सकते हो। बट इट्स ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने एक बार बना ली, हाँ फिर आपका, हाँ फिर आपका, तो आपके इमोशंस डाउन है, यू आर आउट ऑफ देयर, आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, कन्फिगर करने हैं कुछ चीज़ें, हाँ, जो कि आप मैन्युअली बाद में कर सकते हो। तो बट बस एल्गो ट्रेडिंग में अगर आप करते हो तो बस एक चीज़ करो कि एल्गो लेट एल्गो डू द ड्यूटी, एल्गो के साथ वो मत करो कि अच्छा एल्गो में भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, आप एल्गो में भी बैठ के सारा दिन ये कर रहे हो कि एल्गो का ट्रेड चल रहा है, सिस्टम पे बैठ के सिस्टम देख रहे हो, फिर एल्गो का ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपके इमोशंस फिर भी आ गए ना। क्योंकि अगर मैं एल्गो ने ट्रेड लिया, मैं उसको बैठ के प्रॉफिट एंड लॉस देख रही हूँ, मेरे अंदर का डर है मैं हो सकता है एल्गो को बंद करके पहले निकाल दूँ। तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि शाम को देखो क्या किया, लेट गो एल्गो। ओके, अगर एक नॉर्मल ट्रेडर जो कि एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है, उसने सेटअप बना लिया या बनाने की सोच लेगा, वो उसको ब्रोकर के साथ क्या चाहिए उसके इसमें? देखो दो तरीके से होती है, एक तो एपीआई की के थ्रू, दूसरा काफ़ी सारे जैसे वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, जैसे एल्गोजी करके एक है और स्टॉक डेवलपर करके है, दो तीन ऐसे हैं, तो उसके थ्रू वो ऐसे हैं कि वो आपका ट्रेडिंग व्यू को स्टॉक डेवलपर से ट्रेडिंग व्यू को ब्रोकर से कनेक्ट कर देते, तो एक इंटरमीडिएट होते हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो मतलब इतना वो चीज़ मैच्योर है, वो चीज़ मैच्योर है, उसमें इतना ब्रोकर है हो जाते हैं, उसमें ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसमें इसमें बेसिकली आपको बस वो ट्रेडिंग व्यू का काम है वो करना पड़ेगा। Who is the right person to use algo trading? देखो algo trading या तो अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप है तो आप खुद जिसको आप काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हो तो आप बनवा लो मैनुअल से algo कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो जैसे मैं हूँ, जैसे मैं जितने भी वेबिनार स्टूडेंट्स होते हैं मैं सबको जितने भी मेरे सेटअप हैं उनके algo साथ में प्रोवाइड करती हूँ कि अगर हाँ मेरे जितने भी वेबिनार स्टूडेंट्स हैं जितने भी मेरे एंड्रॉयड सेटअप है मेरे सबके algo में उनको प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि कई बार साइकोलॉजिकल आप नहीं ट्रेड कर पाते हो। तो वो अगर आपके पास कुछ है तो आप फिर कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं है कि बिगनर को नहीं कर एडवाइस दूंगी, बट आपको अगर मैं भी कोई एल्गो प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसको आपको एक बार अपने आप भी बैक टेस्ट करना चाहिए ताकि आप साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि आप उस एल्गो पर ट्रस्ट कर सको। अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा ये सेटअप यूज़ कर ले एल्गो की, इसका 70-80% एक्यूरेसी है मेरे कहने पर, आप एक बार फिर भी सोच लोगे, बट फिर भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो डाउट रहेगा ना, हो सकता है ना हो, अगर बट आपने अगर उसे बैक टेस्ट कर लिया और आपको दिख गई कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओगे, आप उसको ऑन करके छोड़ पाओगे। तो इसलिए एल्गो ट्रेडिंग में भी अगर आपके पास अपना सेटअप है आप अपने से करो, अगर आपके पास अपना सेटअप नहीं आपका किसी और की एल्गो भी यूज़ कर रहे हो तो एक बार उस पर बैक टेस्ट जरूर करो ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। मैं यहाँ से चलता हूँ ऑप्शंस बाइंग की तरफ, ऑप्शंस बायर
फुल ऑन 100 में से 100 ट्रेड आप आज की तारीख में ऑप्शंस बाइंग के ले रहे हो? नहीं, 100 में से 100 तो नहीं बोल सकते, बट 80 टू 90 तो मेरे ऑप्शन बाइंग होते हैं। बाकी 10-20 का है सेल, कभी कभी सेलिंग जब मुझे लगता है कि कर लो, बट मैं 90% ऑप्शन बाइंग, बहुत रेयर सेलिंग करती हूँ मैं। ओके, एंड ऑप्शन बाइंग का क्या सीन है? यू लुक एट स्पेसिफिक कोई ग्रीक देखते हो, ऑप्शन चेन देखते नहीं, हो? नहीं, मैं नहीं देखती हूँ। मैंने बोला ना, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन समझती हूँ और बस मुझे पता है कि मुझे राइट स्ट्राइक, मुझे इन द मनी लेना है। मैं नहीं देखती हूँ, मैं जितना मुझे पता है मैं अगर ग्रीक्स भी देखूंगी, डाउ भी देखूंगी, ये वो भी देखूंगी, तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगी। तो मेरा मैम ओनली स्ट्रिक्ट टू द, मेरा जितनी भी ट्रेडिंग होती है स्पॉट चार्ट पे होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे ही होती है। उन्हीं के बेस पे मैं, मुझे पता है कि मुझे इन द मनी नियरेस्ट कौन सी लेनी है, राइट स्ट्राइक प्राइस, बस मैं वो चूज करती हूँ। कुछ मैक्रोस वगैरह नहीं, मैं नहीं देखती। नहीं, स्पेसिफिकली इतना शिद्दत से मोहब्बत हो चुकी है प्राइस एक्शन, हाँ, कि मैं कुछ और नहीं, नहीं जो मर्जी हो, नहीं मैं नहीं देखती। ऑप्शंस बाइंग में भी, हाँ, मैं बाइंग में, बट मुझे ये पता है कि मुझे इंदा मनी लेना है। एग्जैक्टली इंदा मनी ले रहे हो? इंदा मनी, जैसे मुझे पता है कि कभी ओटीएम वाले पंगे लिए हैं? कौन से ओटीएम वाले, मतलब यू गोइंग आउट ऑफ द मनी एट ऑल? मुझे पता है लॉस हो जाएगा, फायदा नहीं है। हुआ है? हाँ हुआ है, तभी पता है, तभी पता है ना, एक्सपेरिमेंट तो सब किया है ना, एक्सपेरिमेंट किया तभी तो इतना आई हूँ यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट किया। देखो ओटीएम का क्या होता है, ओटीएम ना लोग एक जैकपॉट लगता है कि सस्ती ले ली महंगी बेच दी, ऐसा होता नहीं है। बट एनालिसिस के बेस पे तो ओटीएम बन सकता होगा? नहीं, मैं नहीं, मेरा इन द मनी है। मुझे देखो, मेरा, मैंने बोला ना, मैं ऑप्शन चार्ट को देखती ही नहीं होगी, मुझे कौन उसका ग्रीक क्या है मैं कुछ नहीं देखती, मैं सिर्फ स्पॉट प्राइस को देखती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से अगर मेरा ये लेवल टूट गया तो मुझे ऊपर वाले के लेवल के लिए बाय करना है। तो मेरा नियरेस्ट इंदा मनी, मुझे जैसे पता है कि मंडे ट्यूजडे मैंने 100 पॉइंट नीचे ले लूँ, वेडनेसडे में थोड़ा और डीप चलियो, तो मुझे बस मेरे वो फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ, मैं और कुछ नहीं ऐड करती उसमें। ओके ओके, बट फिक्स सेट ऑफ रूल्स में भी एवोल्यूशन होती होगी ना, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखती होगी रोज? देखो ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता है कि आज थर्सडे है, मैं अगर एट द मनी लूँगी तो मुझे डीके ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि थर्सडे को ज़्यादा होता है आउट ऑफ मनी, तो मैं थोड़ा डीप चली जाऊँगी, बस ये है, मैं और कुछ नहीं, वैल्यूएशन मेरा फिक्स है। मैं ऐसा, रिस्क रिवॉर्ड कुछ? देखो रिस्क रिवॉर्ड मेरा ये है कि मुझे स्पॉट चार्ट का ही, मैं जैसे मैं प्राइस अपना है तो मेरे फिक्स है लॉसेस कि यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, बस मेरा फिक्स है और कुछ नहीं। ओके, एंड इसमें भी कोई ऑप्शन बाइंग के लिए कोई किताब पढ़ी है? क्योंकि मैं जब भी पूछा ना अभी तक क्योंकि आंसरिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग के लिए बुक तो नहीं पढ़ी मैं, बुक तो मैं कोई रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इतनी बुक नहीं पढ़ी। हाँ, बट ऑप्शन बाइंग, देखो ऑप्शन बाइंग के बारे में अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर भी कर रहे हो तो आपको ऑप्शन के बारे में सब पता होना चाहिए कि अल्फा डी डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ऑप्शन मूव कैसे करती है, प्रीमियम कैसे मूव करता है, किससे प्राइस कैसे चलती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अब आप बोलोगे कि अच्छा जी आज निफ्टी 100 पॉइंट भाग गया, मेरी तो ऑप्शन 40 पॉइंट देके आई है, तो आपको अगर आपको ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो आपको वो नहीं समझ पाओगे। तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए, मैं देखती कुछ नहीं पर मुझे ऑप्शन के बारे में, मैंने बहुत ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के मेरी पूरी नॉलेज पूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे चलती है, सब मैंने पढ़ा हुआ है, बट ये कि मैं देखती नहीं। ऑप्शन सेलिंग की तरफ कभी जाने का मन करता है? बहुत कम। देखो ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं ऑप्शन सेलिंग भी करती हूँ तो मेरी डायरेक्शनल होती है कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से ऊपर मार्केट जानी है तो मैं पुट, जैसे मुझे कॉल बाय करने के लिए मैं पुट सेल कर दूंगी। वो नॉन डायरेक्शन सेलिंग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ये मैंने नहीं किया कभी, और मैंने कई बार ट्राई भी किए थे बट नहीं, मेरा मतलब उस साइड नहीं हुआ मेरा। ओके, तो मैं जब आपका बाइंग और इसमें अच्छा चल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि, हाँ, जो चीज बंदा नेचुरल हो चुका है, वायर्ड नेचुरल हो चुका है, अब बंदे को पता है कि फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन बाइंग में आई एम डूइंग गुड, तो सेलिंग में कभी ऐसा मेरा मूड बना नहीं। ये जो वेबिनार्स होते हैं द वंस दैट यू डू, इसमें जनरली व्हाट डू यू डू, क्या सीखते हैं बच्चे स्टूडेंट्स? देखो जो मैं वेबिनार्स लेती हूँ बेसिकली तो उसमें प्राइस एक्शन सिखाती हूँ, इंट्राडे सेटअप्स की, हाउ टू इंट्राडे को कैसे ट्रेडिंग करनी है, अलॉन्ग विथ सम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, क्योंकि देखो हाँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा मैं बोलूँगी। देखो अगर आप ट्रेडर हो तो आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको स्विंग भी करना चाहिए। रीज़न, एक इंट्राडे में आज मार्केट है, हो सकता है 100 पॉइंट घूमे, आज 200 घूमे और कई बार अच्छी चली जाए तो 1000 चली जाए, आपको अच्छा कभी प्रॉफिट मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप साथ में करोगे तो आपके पास एक मल्टीपल इनकम ऑफ वो सोर्स होगा, तो आप कई बार क्या, आज आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने आज BTST कर लिया, मुझे अच्छा खासा गैप अप के बाद प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे आज इंट्राडे में नहीं भी ट्रेड मिला तो मेरा साइकोलॉजिकल मैं स्ट्रांग रहूंगी कि मैं प्रॉफिट कर चुकी, नहीं तो मैं इंट्राडे में मार्केट रेंज बाउंड ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगी कि हाँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए,
आपके पास BTST के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपको कब लॉन्ग लेके जाना है। रिस्की होती है बट उसको हैच करो प्रॉपरली। आप अपने उसको, जैसे मैंने जितने भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, जितने भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, जितने मैं BTST करती हूँ, मैं 90% फ्यूचर करती हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग से अपने BTST नहीं करती हूँ, फ्यूचर करती हूँ, और उसको भी मैं हैच कर जाती हूँ। कभी ऑप्शन बाइंग से हैच कर दी, कभी ऑप्शन सेलिंग से हैच कर दी, बट मैं उसे हैच जरूर करती हूँ क्योंकि मुझे अपना रिस्क पता है कि अगर मैंने हैच कर लिया तो इससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं होगा। तो आप BTST करो, अपने रिस्क को मैनेज करके करो, हैजिंग करके करो। नहीं तो लोग BTST इस डर से नहीं करते कि अच्छा अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गई तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप BTST में फ्यूचर करो प्लस हैजिंग कर लो, तो उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। क्योंकि आप बोल रहे हो कि फ्यूचर ले रहे हो तो मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, अगर आपने उसे हैज कर लिया तो आपको मार्जिन भी कम चाहिए और वो सिक्योर भी हो जाते हैं। फेयर, मतलब एक तरह से ट्रेडिंग स्टाइल को डाइवर्सिफाई करो साथ साथ, क्योंकि जरूरी होता है। आप एक चीज पे, जैसे मैंने बोला एक चीज पे, अब आप कोई आप ट्रेडिंग इज लाइक अ सीरियस बिजनेस, तो आप बिजनेस में भी किसी एक चीज़ पे तो नहीं डिपेंडेड होते ना, आप मल्टीपल चीज़ें रखते हो। चाहे आप एक शॉप की भी एग्जांपल ले लो, तो शॉप में एक प्रोडक्ट तो नहीं बेचेगा ना वो, उसके पास 10 तरह की चीज़ें होंगी। तो मार्केट में भी यही है कि आपको अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, मल्टीपल सेटअप्स होंगे, BTST करोगे, स्टॉक्स करोगे, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। तो अगर आप उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगे तो आप सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं होंगे, क्योंकि लोग इंट्राडे में क्यों होते हैं कि ट्रेड नहीं मिल रहा इतनी जल्दी, क्योंकि उनको लगता है मैंने पैसा नहीं कमा रहा। आप BTST कर रहे हो, आप स्टॉक्स में ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आपको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ मैं को अच्छा प्रॉफिट कर चुका, तो आज इंट्राडे में मुझे नहीं भी मिला, मैं प्ले में हूँ, हाँ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नॉनदलेस कि मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट की, मेरे को मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी देगी। तो BTST बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और BTST कई बार बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अभी मार्केट बीच में बहुत अच्छी करेक्शन दी थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैंने कुछ BTST लिए थे और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट कैप्चर किए थे, वो इंट्राडे में मैं नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, इंट्राडे में मैं डिपेंडेंट है, मेरी पूरी डिपेंडेंट है कि आज मार्केट इतने पॉइंट ही भागेगी। BTST मुझे पता है कि इतना जा सकती है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पॉइंट इन टाइम पे दिमाग चलना भी ऐसे हो जाता है नेचुरल कि इसमें इस मार्केट कंडीशन में मैं स्विंग कर लेती हूँ। हाँ, मैं स्विंग कर लेती हूँ। जैसे आजकल की मार्केट कंडीशन थोड़ी वोलेटाइल चल रही है, क्योंकि US की मार्केट का भी, जैसे कल पता था जॉब डेटा आना है, कुछ भी हो सकता है पता है, तो उस टाइम थोड़ा अपने आप को मत करो, बट जब आप पता है कि मार्केट नॉर्मल है तो यू कैन डू इट, तो उसको भी थोड़ा। बट BTST मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मार्केट में ट्रेडर एज अ ट्रेडर रहना है, तो आपको इंट्राडे के साथ साथ BTST भी करना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है लगातार, तो उस केस में व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, मार्केट अगर साइडवे है, साइडवे मतलब डेज में या डेज में तो देखो एक ही चीज़ सजेस्ट है। अब मार्केट साइडवे है तो सुबह तो नहीं पता चलेगा, सवानों तो मार्केट खुलेगी आपको नहीं पता चलेगा कि साइडवे है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम आज मार्केट साइडवे कैसे पता करें, मैं सवानों मार्केट खुलेगी तो आपको नहीं बता सकती कि मार्केट। आप वेट करो अपने सेटअप की, अगर आपको लग रहा है कि आज सेटअप से ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर आपका सेटअप ट्रेड हो रहा है एंटर करो। और आपको जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टॉप लॉस फिक्स होने चाहिए, अगर साइडवे है तो आपको पता है स्टॉप लॉस हो गया आपका, क्लोज द डे। जिस दिन मार्केट अच्छी होगी उस दिन अच्छा कमाएंगे। तो चीज़ों को बस आपको अपने सेट ऑफ रूल सेट करने पड़ते हैं कि आपको कितने ट्रेड करने हैं, क्या करना है, उसको फॉलो करो। हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सेट होता है, ओके, स्टॉक मार्केट कब सुना, और अभी 2022 है, 2035 में जाऊंगा आगे, मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल का प्लान पूछ रहा हूँ, 13 साल का एक्चुअली, 2035। हाँ, तो ऑब्वियसली नोबडी नोज द फ्यूचर, बट व्हाट आप क्या चाहोगे कि फ्यूचर क्या हो? मैं 2035 में अपने आप को तीन जगह देखना चाहूँगी, कि इंट्राडे पूरी एल्गो में, क्योंकि 2035 तक मैं भी बढ़ हो चुकी हूँ कि एज के बाद आई वॉन्ट टू कि ऐसे नहीं सिस्टम। इंट्राडे पूरी एल्गो में, स्विंग ट्रेडिंग में, और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आई डू बाय माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को जैसे अब मैं इन्वेस्टिंग कर रही हूँ साथ साथ इन्वेस्टर, जैसे मैंने अपना 50+ का मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल बना रखा है, तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता, मेरा एक वो है टारगेट है कि मैं उसे 1 और 2 तक ले जाऊँ। तो मैं अपने आप को 2035 में एक स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह देखना चाहूँगी। इंट्राडे अगर एल्गो कर रही है तो ठीक है, सिस्टम ट्रेडिंग हो रही है तो ठीक है, मैं अपने आप को एज इंट्राडे ट्रेडर नहीं देखना चाहूँगी कि मैं सिस्टम पे बैठी हूँ सवानों, नहीं। और जो आप कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहे हो थ्रू योर वेबिनार्स, हाउ इज दैट गोना इवॉल्व, वो किस तरफ जाएगा? लेट्स सी, उसके बारे में मैंने नहीं सोचा सीरियसली। अच्छा, अभी मैंने नहीं सोचा, एज ऑफ नाउ एज इट इज, जब तक चल रहा है तो आई विल कंटिन्यू। अभी मैंने इतना उसके बारे में मैंने इतना अभी प्लान नहीं किया, हो सकता है मैं वेबिनार नहीं तो मेंटर्स एज अ मेंटर लोगों को गाइड करती रहूं, बट उसके बारे में मैंने अभी इतना प्लान किया नहीं। बट इसका मुझे प्लान पता है कि मुझे अगले 10 साल और
ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद मुझे अपने एल्गो, जैसे मैं आपको पता है एल्गो, इंट्राडे को मैं पूरा एल्गो करूँगी और मैं सिर्फ स्विंग और इन्वेस्टिंग पे आई विल फोकस ऑन दैट ओनली। लुकिंग एट पीपल लाइक यू, जो वुमेन है सोसाइटी की जो स्टॉक मार्केट को नहीं, अगर इससे वुमेन्स मोटिवेट होती हैं तो आई वेरी बी हैप्पी, क्योंकि वेरी फ्यू यार, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। हाँ मतलब हमने जितने भी अभी तक शूट्स किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं विद मेन, एंड इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस, बट कोई मिले कि इन दैट केस जो करते हैं ट्रेडिंग उनको उनकी बात बता पाएँ, वेरी लिमिटेड पीपल। और वुमेंस के लिए ना बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि वुमेंस के लिए फैमिली और दोनों चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो सकती हैं। क्योंकि वुमेंस को घर से बाहर निकलने के, क्योंकि एक इजी थोड़ा सा तो होता है क्योंकि फैमिली भी उनको देखनी होती है, तो उनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। और इट्स मोर सूटेड टू वुमेन एज वेल, क्योंकि लाइक वी आर डिस्कसिंग कि वुमेन आर मोर पेशेंट। हां, मोर पेशेंट एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू जनरली, जनरली ये कोई रूल नहीं है, रूल ये जनरली, बट वो थोड़ी सी होता है ना कि थोड़ी वो चीज़ों को मैनेज कर लेती है, कि वो इतनी ग्रीडी भी नहीं होती, वो कर जाती है। हाँ। तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मैन थोड़ा सा होता है, तो आई होप कि वो एवोल्यूशन भी हो जाए, होपफुली। थैंक यू सो मच, यू स्पेंड सो मच टाइम विद अस एंड इतना कुछ एनलाइटन किया, आई एम प्रीटी श्योर विद द एक्सपीरियंस जो आप अभी तक खुद नुकसान खा खा के 3.5 लाख का नुकसान खा गया है, तो वो सारा वो फ्री में हाँ, लोग देख रहे हैं कि उनका एटलीस्ट उतना नुकसान ना हो, नुकसान तो दोस्तों होएगा ही, तो कोई चांस ही नहीं कि नुकसान ना हो, कम हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो होपफुली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।